हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरा टेम्पलेट प्रो। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने मेरा टेम्पलेट ऑफिशियल चैनल पे आप सभी को बताया कि वेबसाइट बना के आप कैसे किन किन तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा लिंक है उस ऑफिशियल चैनल का वो दिया हुआ है, आप प्लीज़ जाके वॉच कर लीजिए। पर मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग कैसे, मतलब कौन कौन से टॉपिक को चूज करना चाहिए, किन किन टॉपिकों को आप चूज करके वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक मार्केट में ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, कौन सा टॉपिक आपको चूज करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं, ऐसे 4-5 टॉपिक मैं बहुत ही मजेदार बताने वाला हूं, जो कि अगर आप, मतलब इन टॉपिक पर अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हेल्थ से रिलेटेड लीजिए। ठीक है, अर्निंग होगी इसमें बहुत ज्यादा, वो अगर आप मेरा जो वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, अगर आप उसे देखेंगे तो समझ जाएंगे अर्निंग कैसे होगी। लेकिन टॉपिक ये क्यों चूज करना, मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मुझे लगता है मिलियंस में, ठीक है, हालांकि इवन हमारे एरिया में बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड लोग डेली सर्च करते हैं, वजन कैसे बढ़ाएं, वजन कैसे घटाएं, या फिर मुझे ये प्रॉब्लम है, मतलब ऐसे बहुत सारे गूगल पे सर्च करते रहते हैं, अबाउट 1 मिलियन डेली के सर्च ऐसे करते हैं, वो भी इंडिया की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड नहीं, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप हेल्थ से रिलेटेड पोस्ट, या फिर आप हेल्थ से रिलेटेड आपने वेबसाइट बना दिया और वहाँ पर अगर हेल्थ से रिलेटेड डेली अगर आप पोस्ट डाल रहे हैं कंटिन्यू, तो ये अच्छा आपके लिए ये रहेगा आइडिया कि यहाँ से आप अच्छा खासा अर्निंग कर पाओ। क्योंकि अगर आप हेल्थ से रिलेटेड डाल रहे हो तो आपको स्पॉन्सरशिप जल्दी मिल जाएगी, जो हेल्थ के प्रोडक्ट सेल करते हैं लोकली या फिर ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी। ठीक है, ये आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, सेकेंड, अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो उन सर्विस प्रोवाइडर्स का लोकली अगर आप बना रहे हैं तो आपके लोकली आप पहले फाइंड कीजिए कि कौन सा ऐसा सर्विस जो है ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है मार्केट में। ठीक है, मतलब वो सर्विस जो कि रूम पे भी आके वो आपको प्रोवाइड करता है, ऐसी कोई सर्विस, मतलब सर्विस जो प्रोवाइडर्स रहते हैं, जब हम एंड्रॉयड ऐप सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, वैसे ही कोई सर्विस प्रोवाइडर जो आपके मार्केट, जो आपके एरिया में ज़्यादा ट्रेंड कर रहा हो, उसके बारे में वेबसाइट बना के डेली पोस्ट डालिए। ठीक है, अब सर्विस प्रोवाइडर में एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जब शादी का सीज़न होता है उस टाइम ये जो कार्यालय वगैरह होते हैं, जो शादी में जहाँ होती है हॉल्स वगैरह, बर्थडे हॉल्स वगैरह, ये लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, इन लोग से आपको बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। ठीक है, तो उनकी वेबसाइट, अगर वैसा वेबसाइट बना रहे हैं और ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं कि कैसे डेकोरेट करना चाहिए, वो अगर आपकी शादी में जा रहे हो तो उनसे रिलेटेड अगर आप डेली पोस्ट डाल रहे हैं, जो शादी वगैरह के सीजन्स रहते हैं उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनसे रिलेटेड अगर आप पोस्ट डाल रहे हैं ना, अगर आपके वहाँ पे 2000 भी विजिटर्स अगर आपने SEO करा लिया तो आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है, वहाँ से आपको स्पॉन्सरशिप जल्दी मिल जाएगी और ये लोकली और नेशनली ये दोनों ही रन करेगा। ठीक है, अच्छा आपको मार्केट वैल्यू, मतलब बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, अर्निंग आप बहुत ज़्यादा कर पाओगे। ठीक है, थर्ड, फूड से रिलेटेड थर्ड जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक है, अगर आप इस पर वेबसाइट बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि फूड से रिलेटेड अगर आप वेबसाइट बना के उस पर डेली पोस्ट डालते हैं कौन सा फूड कितना बेनिफिशियल होता है, तो जो आपके आसपास फूड का जो स्टॉल लगे रहते हैं, सेल्स होते हैं ना, अब आपको पता है आजकल पूरी इंडिया डिजिटल हो गई। ठीक है, लोग ऑन द स्पॉट सर्च करते हैं कि मतलब फूड वगैरह या फिर कुछ लाना या फिर ई कॉमर्स जैसा टाइप, ठीक है, वैसा अगर आप बिल्ड कर ले रहे हैं, मतलब एक ऐसा वेबसाइट जहाँ पे, मतलब दो, इसमें दो कैटेगरी आ जा रही है। ठीक है, या तो आप फूड का बना लीजिए तो आपके जो आसपास जो फूड स्टॉल होंगे उनसे आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, या फिर आप शॉप्स का बना लीजिए। ठीक है, शॉप में क्या होगा, शॉप्स में जो आपके आसपास मॉल होंगे या आपके पूरे एरिया में अगर आपके पास 5000 विजिटर है तो वो आपको फटाफट स्पॉन्सरशिप दे देंगे। ठीक है, और अर्निंग आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, शॉप का, मॉल का, किसी भी प्रोडक्ट का जो आपके आसपास जो ज़्यादा चलता हो, ठीक है, उस हिसाब से आप पोस्ट डालिए अपने वेबसाइट पे और उनसे स्पॉन्सरशिप लीजिए, बहुत ही ज़्यादा फास्ट मिल जाएगा। ठीक है, फोर्थ मैं आपको मतलब बताऊंगा, पहले मतलब फोर्थ जो है ना, मैं ये टॉपिक ये रहेगा कि आपका लाइक खुद का जो सर्विस है। ठीक है, जो मैंने 3 आपको टॉपिक बताया, ये दूसरों के लिए बताया मैंने, आप अगर उनके बारे में डालते हैं तो उनसे स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाएगी। लेकिन फोर्थ जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको खुद का, मतलब जो आपके अंदर स्किल है उसके बारे में पोस्ट डालना है। पोस्ट डालने के बाद इतना, मतलब ना, अट्रैक्टिव बनाइए अपने वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को, अपने पोस्ट को इतना अट्रैक्टिव बनाइए कि डेली वहाँ पे लोग मजबूर हो जाएं विजिट करने के लिए कि आज क्या नया डालने वाला है ये। ठीक है, उसके बाद अपनी सर्विस को, पहले सर्विस के बारे में बताइए, बाद में अपनी सर्विस लॉन्च कीजिए। ठीक है, कि सर्विस से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपनी सर्विस को प्रीमियम कर लीजिए। ठीक है,
प्रीमियम करके आप वहां से बहुत अच्छा अर्निंग ले सकते हैं। फिर आपके साथ या आपके साथ जो कंपटीटर्स होंगे वो बेयर करते होंगे, तो वो भी आपको पे करेंगे कि भाई हमारा भी प्रमोशन कर दो। ठीक है, प्रमोशन करते रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने प्रोडक्ट को हमेशा बूस्ट करते रहना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर मार्केट में आपको बने रहना है तो। ठीक है, फिफ्थ मैं आपको बताऊंगा जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप डिजिटली नॉलेज प्रोवाइड कीजिए। जैसे कि डिजिटली एड कैसे करते हैं, फेसबुक पे कैसे, फेसबुक अपना प्रोडक्ट को कैसे बूस्ट करना है। अब समझ के चलिए कि आपने जो फिफ्थ वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में थोड़ा और ब्रीफ में आप सभी को मैं समझाता हूँ कि अगर आपने एक डिजिटल ऐसे एक वेबसाइट बना लिया, एड नेटवर्क को कैसे यूज़ करते हैं। मतलब एड आजकल हर बिजनेस वाला ये चाहता है कि उसका बिजनेस बहुत फास्ट ग्रोथ हो, उसके आसपास लोकल एरिया में हर जगह जल्दी जल्दी फैल जाए। ठीक है, तो एड जो मतलब एड कैसे लगाया जाए, लोकली कैसे बूस्ट किया जाए, लोकल कैसे प्रमोट किया जाए, इन सारी चीज़ों का पहले आप प्रॉपर नॉलेज ले लीजिए। उसके बाद में आप वेबसाइट क्रिएट करके इन सारी चीज़ों पे पोस्ट डालिए, तो उससे क्या होगा, आपको लोकल जो आपके आसपास होंगे वो भी आपको, अगर आप उनसे मिलने जाते हैं और आप उनसे बातचीत करते हैं, तो वो भी आपको बोलेंगे आप हमारा इस प्रोडक्ट का ऐड कीजिए। मतलब टारगेट ऑडियंस को हमारे पास लाइए और उनसे परसेंटेज वाइज आप, मतलब परसेंटेज वाइज आप उनसे शेयरिंग ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप उनसे जो आपका चार्ज रहेगा वो आप उनसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदा आपको हो सकता है अगर आप डिजिटली या फिर एड नेटवर्क्स के अगर आप वेबसाइट बनाते हैं और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग पोस्ट डालते हैं तो। ओके, तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हालांकि ये पांच टॉपिक थे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नया चैनल है मेरा मेरा टेम्पलेट प्रो, इस पर डेली नए वीडियोज आपको मिलने ही वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी आपको वेबसाइट बनाना है किसी भी टाइप का तो कॉल कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।